हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका साथी और दोस्त मिस्टर मनोज कोले। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा हमारा जो पैनल शॉर्ट रिमूवर है, देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका बारे। ये परचेस करने के बाद आपको प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है और एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, पूरा वीडियो आखिर तक देखिए। दोस्तों, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेंगे इस वीडियो का माध्यम से। दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले गुड न्यूज बताऊंगा। हमारा जो अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, स्क्रीन पर शेड्यूल देख लीजिए। दोस्तों, टॉपिक में वापस आता हूँ। नंबर वन, इसका एडवांटेज क्या है। कोई भी पैनल में सीकेबी लाइन शॉर्टेज होगा तो आप ये मशीन यूज करके, इस्तेमाल करके वो शॉर्ट आप रिमूव कर सकता है। शॉर्ट रिमूव हो जाएगा, पिक्चर आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सैमसंग सिंगल कॉप वाला जो पैनल है उसमें शॉर्टेज होने का वजह से बैकलाइट होकर नो डिस्प्ले होता है। उसमें ये मशीन आप अप्लाई करेंगे, शॉर्ट रिमूव हो जाएगा, पिक्चर आ जाएगा। लेकिन वो 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको 2 साल चलेगा ऐसा नहीं, मैक्सिमम 1 ईयर। तो जो रियलिटी है, जो साक्ष है, वो आपको एग्री करना चाहिए। आई एम ऑलवेज एग्री दिस क्वेश्चन, ओके। तो वो एक एडवांटेज है। और देखिए नंबर टू, जिस पैनल में गेट कॉफ है, VGL, VGH रहता है, वो VGL, VGH जो शॉर्ट होता है, वो शॉर्ट आप कैसे रिमूव करेंगे, इस मशीन के माध्यम से आप 100% रिमूव कर सकता है। वो परमानेंट सॉल्यूशन है दोस्तों, श्योर। मैं बहुत वीडियो देखा है, आप मेरा आई बॉटम के जाइए, वहां पर देखिए मैं VGL, VGH शॉर्ट कैसे रिमूव करेंगे, मैं दिखाया। तो वो मेथड अप्लाई करेंगे। नंबर थ्री क्या है, सप्लाई लाइन। कोई भी सप्लाई लाइन अब शॉर्टेज होगा तो आप ये मशीन यूज करके, इसमें दोनों पार्ट है, इस मशीन में दोनों पार्ट है, क्या है, एक पैनल का शॉर्ट रिमूव कर सकता है और सप्लाई लाइन, कोई भी डिवाइस में सप्लाई लाइन जो है वो शॉर्ट सर्किट होगा तो आप रिमूव कर सकता है 0 से 30 वोल्ट स्केल लेके, ठीक है। और नंबर फोर में क्या है, लो वोल्ट पावर सप्लाई। लो वोल्ट पावर सप्लाई मीन्स क्या है, मान लीजिए त्रिकोण, हमारा मेन पीसीबी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में 1.1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 0.75, 2.5, 1.8, 1.5, जो भी वोल्टेज, लो वोल्टेज हो, उसको जो सप्लाई लाइन शॉर्ट होता है, तो हमारा मशीन 10 एम्पियर है, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आसान तरीका से आपको इजीली शॉर्ट डिटेक्ट कर पाएंगे, हीट जनरेट करेगा। आप छोटा सा मशीन 5 एम्पियर अप्लाई करेंगे तो आपको हीट जनरेट नहीं होगा लो सप्लाई वोल्टेज लाइन में। नंबर फाइव देखिए, इसमें और एक एडवांटेज है। मान लीजिए हम लोग जो काम करता है, कभी कभी आउट ऑफ कंट्री, हमारा देश का बाहर कंट्री में जो सेट आता है उसमें 110 वोल्टेज रहता है। 110 वोल्टेज में क्या है, जो सेट में चलता है 110 वोल्टेज में, तो उसमें आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के यूज करना है, तो आपका पास ये मशीन रहेगा। देखिए पीछे ये 110 वोल्टेज, यहाँ पर आप कनेक्ट करके सेट ऑन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप 2 kV इसमें आप लोड दे सकता है, ये 10 एम्पियर का सप्लाई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, डिसएडवांटेज अभी बताएंगे सर। डिसएडवांटेज कोई डिसएडवांटेज नहीं है। कोई डिसएडवांटेज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए, नो डिसएडवांटेज। चलिए मैं जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, ये परचेस करने के बाद आपको प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। प्रॉफिट क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट। हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट। आप एक बार परचेस करेंगे तो होल लाइफ इसकी यूज कर पाएंगे। क्यों, इस मशीन का अंदर देखिए, इस मशीन के जो एक्सरसाइज जो हम यूज किया है, जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर बेसिस मशीन है। ट्रांसफार्मर जो है प्योर कॉपर 10 एम्पियर, बहुत ही हार्ड ट्रांसफार्मर है और पावरफुल ट्रांसफार्मर है, ये कभी खराब नहीं होगा। और जो सर्किट जो यूज किया है, देखिए इसमें जो सर्किट यूज किया है, जो जो सब सामान इसके अंदर यूज किया है, नॉर्मल सर्किट है, और जो सब रिले, जो जो एक्सरसाइज हम यूज किया है, सब कॉस्टली है, इसलिए थोड़ा कॉस्ट होता है। लेकिन आप वन टाइम परचेस करेंगे, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप लाइफ टाइम यूज कर पाएंगे, कोई खराब नहीं होगा। और कुछ खराब हो जाएंगे तो आप खुद ही उसको रिपेयर कर लेंगे। क्यों, हमारा जो व्यूअर्स है, हमारा जो ये परचेसर है, आप सब इंटेलिजेंट हो। हाँ जी हाँ दोस्तों, आप खुद रिपेयर कर लेंगे। नॉर्मल सर्किट है, आप जानता है ये कैसे रिपेयर, ये कैसे मेकिंग, हाउ टू मेक इट, ये सब आप जानता है, लेकिन आप किया नहीं,
मैं ये सब एक साथ अरेंज करके आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों ये हमारा प्रॉफिट के बारे में। लॉस क्या है? लॉस कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ लॉस नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। यस, जी हाँ, नो लॉस। ये आप 20 साल बाद आपको इस स्क्रैम में भी सेल करेंगे तो 10,000 उस टाइम इसका प्राइस होगा। क्यों? इसका अंदर 10 एम्पियर प्योर कॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। एक कॉपर बर्न हो जाएगा तब ये सेल होगा, याद रखिए। फिर कोई SNPS सर्किट कुछ नहीं है, नॉर्मल सर्किट है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप खुद रिपेयर कर पाएंगे और मैं आपको हेल्प करूंगा रिपेयर करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तक मैं बहुत सारी ये मशीन सेल किया है। मान लीजिए मैं एक लॉट में 5,000 कैबिनेट का ऑर्डर दिया था, अभी तक हमारा पास 500,000 के आसपास है कैबिनेट है, बाकी सब सेल हो गया। इंडिया का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो जहां पर मैं सेल नहीं किया। और एक गुड न्यूज है, इंडिया का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो आदमी यहां पर आया नहीं, कोई ना कोई स्टेट से कोई ना कोई आदमी आया है। और इवन इंडिया का बाहर में बांग्लादेश नेपाल से भी आया है। मैं कोशिश करूंगा ये इंडिया का बाहर में सेल करने के लिए। सेल नहीं होगा वहां पर, मैं इसका पूरा डिटेल्स सेंड कर दूंगा, वहां पर वो आदमी कर लेंगे। दोस्तों हमारा जो अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा नेक्स्ट नवंबर मंथ का लास्ट वीक, दिसंबर मंथ का फर्स्ट वीक, दिसंबर मंथ का लास्ट वीक, जनवरी मंथ का फर्स्ट वीक, जनवरी मंथ का लास्ट वीक। स्क्रीन पर देखिए पूरा शेड्यूल है। आप अपडेट होना चाहता है तो हमारा जो नंबर है इस नंबर में कॉन्टेक्ट करिए डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत थैंक्स, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।